हेलो स्टूडेंट फिर से आप सब का स्वागत है आज मैं आप लोगों को क्लास टेन के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस को बताने जा रहा हूं यह सत्र 2022-23 का सिलेबस है तो चलिए चलते हैं सिलेबस की ओर आपको क्लास टेन में एग्जाम दो टर्म में देना है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में आपको पढ़ना है ए लेटर टू गॉड डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी नैन्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम

और अनसिन पैसेज में आपका प्रोस से आ सकता है या फिर पोएम से एक सीन पैसेज होना है जो कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन से संबंधित है लेटर राइटिंग फॉर्मल लेटर राइटिंग लेटर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग टेंस सीक्वेंस ऑफ टेंस मॉडल्स नॉन ननफिनाइट क्लाउस और आपको क्या करना है इस टोटल को आपको फिर एक एक करके रिवीजन करना है ये जितने भी थे ये फर्स्ट टर्म के सिलेबस थे जिसे आपको क्या करना है फर्स्ट टर्म के लिए तैयारी करना है अब हम लोग जानेंगे कि सेकेंड टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है तो सेकेंड टर्म के सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है द हेंड्रेड ड्रेसेस टू आपको ड्रेसेस ड्रेसिसन आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है लेकिन अब सेकेंड टर्म में क्या पढ़ना है द हेंड्रेड ड्रेसेस टू ग्लिम्स ऑफ इंडिया पार्ट वन इसमें आपको पढ़ना है ए बेकर फ्रॉम गोवा नेक्स्ट है क्रूग नेक्स्ट टी फ्रॉम असम द ट्रीज द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट मुसबिल द ऑटर फॉग द नेकलेस मैडम राइड इज द बस मैडम राइड्स द बस द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन द है ड्राइवर द सेमन एट बनारस फॉर एनी जियोगी और लास्ट आपका चैप्टर है वो है भोली नेक्स्ट है द प्रपोजल द बुक डैट सेव्ड द अर्थ ऑडियो वीडियो एंड इंटरक्टिव टॉक इस पर आधारित आपको एक आ, आर्टिकल पढ़ना है नेक्स्ट है कन्वर्सेशन डायलॉग्स डिस्कशन ए डिस्कर्स इन दियर मूड एंड द टीचर ऑन वेरियस थीम्स रोल प्ले शॉर्ट स्पीच एंड स्किट्स इंटरव्यू पीपल पर्सनैलिटीज सीन पैसेज इसमें भी आपको पढ़ना है अनसिन पैसेज अनसिन पैसेज डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल लेटर राइटिंग फॉर्मल लेटर राइटिंग इनफॉर्मल एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन और आपको लास्ट में क्या करना है रिविजन करना है तो ये आप देख सकते हैं आपको मैंने पार्ट वाइज बताया कि फर्स्ट टर्म में आपको किन किन चैप्टरों को पढ़ना है और सेकेंड टर्म में आपको किन किन चैप्टरों को पढ़ना है तो आप हमेशा दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें ताकि आपका रिजल्ट जो हो वह अच्छा हो आपके रिजल्ट में अच्छा मार्क्स आ सके Thank you.